जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में इस बटन में। आज हम करने जाने क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 जो कि एरिया रिलेटेड सर्कल। इसको हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ करने वाले हैं आज, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो हमें बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना होगा, सर्कल क्या क्या होता है, सर्कल में हमें इसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, और इसके जो चैप्टर नंबर 12 में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको हम देखते हैं, उनको इंपॉर्टेंट हम कुछ क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाकर ले सकते हैं, और आप उनसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमें चीज़ समझने चाहिए वो है सर्कल के कुछ पार्ट्स। हम लोग पहले वो समझ लेते हैं, छोटे टॉपिक हैं कि जैसे मान लीजिए कि सर्कल है, ठीक है, एंड ओ क्या बन जाएगा, मेरे पास एक सेंटर हो जाएगा, ओ ए हमारे पास एक रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ओ ए क्या हो जाएगा, मेरे पास रेडियस कहलाने वाला है। फिर उसी तरह अगर मैं एक और रेडियस भी डाल दूँ जिसका नाम हम ओ बी कहना, तो ओ बी भी हमारे पास क्या बन जाने वाला है, रेडियस ही बन जाएगा। और जब दो रेडियस में कंबाइन कर दूंगा एक सीधी लाइन में, तो ए बी क्या बन जाना चाहिए, यहाँ पे एक डायमीटर बन जाएगा, सर्कल का डायमीटर बन जाने वाला, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये है कि जिस तरीके से मैं अगर मैं ये एंड ये मान लीजिए इसका नाम सी और डी रख देता हूँ, तो यहाँ पे जो पूरा जो एरिया बन रहा है इसको हम कहने वाले हैं सेक्टर, इसको कहने वाले हम सेक्टर कहते हैं। और क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने एक इधर भी डाल लेते हैं, तो इसका नाम देते हैं ई, तो ये तो कंप्लीट एक सेक्टर है, लेकिन अगर मैं ई ए क्या है, एक कॉर्ड है, ई ए क्या चीज़ बन जाना चाहिए, एक कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो जो कॉर्ड के नीचे जो एरिया बच रहा है सर्कल आर्क के साथ, ये जो चीज़ है ये क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है, ठीक है, ये क्या है, सेगमेंट है। तो हमें यहाँ पर सेक्टर और ये सेगमेंट के बारे में थोड़ा जानने की ज़रूरत है। तो इसमें इतना ही चीज़ है, हमको इसमें ज़्यादा कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल से एक आर्क हमें दो फॉर्मूला में देखना है पहले, ठीक है, और हम थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़ कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर हम बात करें सर्कम फ्रेंड्स ऑफ सर्कल की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, सब जानते हैं, जो कि होता है 2πr, जहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 या फिर 3.14 रख सकते हैं, और r जो होगा ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से कुछ भी हम लोग, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सब कुछ इम्पोर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने यहाँ पे देख ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमें यहाँ पर अब जो देखना है, तो इसके बाद है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम सेक्टर देखें, मैं वो फिगर बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, कि हमारे पास मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल सर्कल हो गया, मींस यहाँ पर सेक्टर हो, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया अपने पास ए बी, ये क्या बन गया, पूरा एक ओ ए बी एक पूरा आर्क बन के बन गया, सेक्टर बन चुका। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके यहाँ पर हम लोग मिडल में इनके एक बन जाएगा अपने पास थीटा, इसके इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा जिसको हम थीटा कह सकते हैं, और इसका एक रेडियस भी होने वाला है, ओ बी क्या बन सकता है, कि रेडियस बन सकता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई टू सॉरी पाई आर स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। इसी तरह एक फॉर्मूला एक और आता है कि लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा अपॉन में 360, वही चीज़ दिया रहेगा, थीटा बीच में हमें सेंट्रल एंगल दिया रहेगा, और हम लोग लगा देंगे लेंथ ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला कि थीटा अपॉन 360 इनटू में 2πr। ये हमें दो फॉर्मूले यहाँ पर इस चैप्टर के लिए याद करने की ज़रूरत है अभी तक, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ सेक्टर का क्या कहना चाह रहा है, लेंथ ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूले से जो चीज़ मेरे पास निकलने वाली है वो ये चीज़ निकलेगी,
ए बी जो आर्क होगा जिसको मैं अभी रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे पास लेंथ ऑफ सेक्टर का निकाल करके मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने पास दो फॉर्मूले बन चुके हैं, एंड एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ सेक्टर का। तो अपने पास इसी से क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज़ 60 डिग्री। कि अपने पास जो इसको फिगर समझाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारे पास एक सेक्टर था, ठीक है, ये क्या अपने पास सेक्टर है, ये हम उसको मान लेते हैं ओ, ये अपने पास ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये अपने पास सेक्टर का एक पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एंगल अपने पास 60 डिग्री का दिया हुआ था और जो रेडियस है अपने पास 14 सेंटीमीटर का, हमें ये चीज़ दिया हुआ है, हमें इसका अब एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे, क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू पूछा जा रहा है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई है, 60 डिग्री अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू अपने पास 14 मल्टीप्लाई 14। बस इसी को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। तो देखिए 0 0 गया, ये दिस वन इज़ 1 एंड इसको हम 6 बना सकते हैं, और ये चला गया 3 से, ये चला जाएगा 7 से, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो अपने पास बन गया 22 मल्टीप्लाई 14/3। तो अपने पास ये बन जाएगा 11 × 28/3 कह सकता हूँ, और ये बन जाएगा 8 10, 1 कैरी हो गया, 308/3 cm². इसको चाहे तो हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी को आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, हमने वैल्यू हमने निकाल कर देख लिया। अगर यही क्वेश्चन दिया रहता और हमसे पूछता कि लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ सेक्टर, तो यही फॉर्मूला हमने पीछे देखा, ये इसी क्वेश्चन में हम दोबारा यूज़ कर देते हैं बाहर कि लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2π r, हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, हमने पीछे देखा था अभी। तो थीटा अपने को 360 डिग्री, ये 360 हो गया, मल्टीप्लाई 2 × 22/7 में r की वैल्यू 14 होगी, ये पूरा पूरा चला गया 6 से, ये चला गया 3 से, और ये हो जाएगा अपने पास 2 से, तो हो जाएगा 44/3 cm। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो गया अपने पास एरिया में स्क्वायर आ गया, यहाँ लेंथ में सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है, जो लेंथ हमें दे रहा है वो ए बी की लेंथ दे रहा है, हमें पूरा का लेंथ नहीं देगा, पूरे सेक्टर का लेंथ नहीं देगा। ठीक है, तो हमें जस्ट ये आर्क का लेंथ देने की कोशिश करेगा, तो हमें हम लोग इस फॉर्मूले से ओनली आर्क की लेंथ हमको निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें और होती हैं सेक्टर के अंदर, एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। इसको जो समझने की कोशिश करते हैं हम कि अपने पास मेजर सेक्टर क्या होता है एंड नेक्स्ट वन होता है अपने पास माइनर सेक्टर, इसको ज़रा समझते हैं दोनों चीज़ों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि सर्कल का पार्ट था पूरा, ये सर्कल था एंड ये अपने पास हमने बना लिया सेक्टर। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक सेक्टर है छोटा। तो क्योंकि एक छोटा पार्ट है, क्या एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम कहेंगे फिर माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा जो पार्ट रह गया जिसको हम लोग अभी दूसरे कलर से दिखाते हैं, हाँ इस कलर से दिखाते हैं ब्लैक कलर से, तो ये जो पार्ट है पूरा ये कहलाने वाला है मेजर सेक्टर। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास मेजर सेक्टर। तो अपने माइनर सेक्टर हमने देख लिया किस तरीके से हम फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला जानेंगे, समझ गए इसका। लेकिन मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो हम सर एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे। देखिए मान लीजिए कि माइनर सेक्टर का हमें थीटा में दे रखा है, वो 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कंप्लीट एंगल कितने का होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360 का। 360 में से माइनर सेक्टर के एंगल को हटा दीजिए तो अपने पास क्या बन जाएगा, 360 में से हम 60 डिग्री को हटा देंगे तो अपने पास बन जाएगा 300 डिग्री। तो वही जो एंगल अब जो आ रहा है, मतलब कि थीटा वन लेता हूँ उसको मैं, थीटा
थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। इन दोनों तरीके से हम किसी से भी निकाल सकते हैं, या तो उसको आप सर्कल में से माइनस कर देंगे, या फिर एंगल की वैल्यू को थोड़ा, जो एक्चुअल जो वैल्यू है माइनस सेक्टर का एंगल का, उसको हम रख करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सेक्टर के बारे में। अब ज़रा देखते हैं सेगमेंट के लिए। ज़रा ये था हमारे पास, मान लीजिए ये अपने पास हो गया एक, ये बन गया सेक्टर। ठीक है, ओ ए बी, यहाँ से मैंने ये लाइन डाल दी, ये जो कहलाने वाला है ए बी कहलाने वाला है कॉर्ड। ठीक है, तो अपने पास ये जो रह गया एरिया, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, इसको ये कहते हैं सेगमेंट। तो इसका क्या होगा कि अगर मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं क्या चीज़ कि देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल करके माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये अपने पास एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, उसको देखते हैं जरा। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा तरीका क्या है इसका। तो दूसरा फॉर्मूला जो है इसका, वो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें थीटा जो ये देने वाला है, यहाँ पर बी सेंटर एंगल जिसे हम कहेंगे थीटा की वैल्यू, वो हम रखेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का अगर हम इसको फॉर्मूले को ओपन करके देखेंगे बार, तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम फॉर्मूला जानते हैं, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये अपने पास बनने वाला है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो हम दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं, हम लोग चाहे तो इसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम ऊपर वाले को भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ऊपर वाला जो है इस, ये हमारा बेसिक है। ठीक है, उसी को हम सॉल्व करके हमारे पास नीचे वाला जो फॉर्मूला हमने, वो हम शॉर्ट फॉर्मूला हम ला दिए यहाँ पर डायरेक्ट, हमें भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक क्वेश्चन देखते जरा। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन जो है कि फाइंड एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। कि अपने को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है अगर रेडियस में 7 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल कितने का 60 डिग्री का। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें को दे रखा है, इसका मतलब ये कि हम लोग, ये हमें ओ दे रखा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये तो हो गया सेक्टर। लेकिन अगर मैं इसका कॉर्ड डाल दूंगा और जो नीचे का जो एरिया बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा। तो इसका एरिया निकालना है हमें, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर 60 डिग्री दी हुई है और हमें रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो अपने को क्वेश्चन ये बना के दे रखा। तो हम लोग अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे हम लोग और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लगा दें। मतलब आपको सिंपल सा तरीका मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला जानते हैं, बस को पुट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल रही है, 60 डिग्री अपॉन में 360 हो गया, एंड पाई की वैल्यू 22/7 × 7 × 7 माइनस हाफ आर की वैल्यू में 7 × 7 और साइन 60 वैल्यू मिल गई यहाँ से, साइन 60 की। इसको सॉल्व करते हैं, ये अपने पास चला जाएगा 1 पे, ये चला जाएगा 6 पर, 7 से 7 कट हो जाएगा, ये गया 3 पर एंड ये 11 पे चला गया। ठीक है, तो आगे वाले वैल्यू अगर मेरे पास 77/3 माइनस यहाँ से अगर देखें तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो अपने पास क्या बन जाएगा, 49/2 मल्टीप्लाई √3/2। तो अपने पास फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, सॉरी फाइनल आंसर आ रहा है 77/3 माइनस 49√3/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग कह सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से आंसर इसका निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया सेक्टर पे भी, हमने देख लिया क्वेश्चन सेगमेंट पे भी। एक आता है क्वेश्चन व्हील्स के ऊपर, जो कि गाड़ी का हमें स्पीड दे दिया जाएगा, गाड़ी का स्पीड दे दिया जाएगा। क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि द व्हील ऑफ द कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, कि कार है उसके जो पहिए हैं 80 सेंटीमीटर के हैं सभी के सभी। तो इसको ज़रा बना हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कार का पहिया है और इसका हमें अगर डायमीटर हमें 80 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, डायमीटर हमें अगर 80 सेंटीमीटर का हमें दिया हुआ है, तो रेडियस कितने बन जाएगा अपने पास। रेडियस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 80/2 मीन्स 40 सेंटीमीटर का हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो ये हमने मान लेंगे कि ये अपने पास रेडियस है उसका। अब बोला जाए कि हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशन डज इट ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, कि हर पहिया 10 मिनट में कितनी बार रिवॉल्व कर लेगा व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जब कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही होगी तो उसका पहिया 10 मिनट में कितनी बार रिवॉल्व कर लेगा, हमें ये बताना है। मीन्स हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की वैल्यू बतानी है। तो देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमें समझना पड़ेगा। वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, कि पहिए का जो सरकमफ्रेंस आएगा उसको सरकमफ्रेंस हम निकाल लेंगे। और हमने जो वैल्यू हमें जो टाइम दे रखा है, मीन 10 मिनट के में अंदर हमें 10 मिनट के लिए बताना है, तो हमें 10 मिनट के अंदर देखना पड़ेगा कि वो गाड़ी 10 मिनट के लिए कितना दूर निकल जाएगी, डिस्टेंस कितना चलेगा। तो हमें ये फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और इसी का यूज़ करते हुए हम आंसर को निकाल पाएंगे। तो देखते हैं ज़रा, सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालते हैं ज़रा। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेते हैं सरकमफ्रेंस, सरकम स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो इसका जो फॉर्मूला बनना बनता है क्या जानते हैं हम, 2 पाई आर जानते हैं। तो वैल्यू लिखते हैं 2 × 22/7, और आर की वैल्यू अपने पास कितना था, आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर था ना, तो 40 हो जाएगा। तो ये अपने पास आ रहा है 40 × 8। एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 80 × 22/7। ये हमने मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमारे पास इतना आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। अगर वो गाड़ी डिस्टेंस हमें निकालना है, मीन 10 मिनट के अंदर गाड़ी कितनी दूर निकल जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो अपने को स्पीड जो दे रखा है 66 किलोमीटर में दे रखा है, लेकिन किलोमीटर में दे रखा है, हमें उसको मीटर में लेके आना पड़ेगा। तो उसके जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं क्या वैल्यू, हम लोग 5/18 कर देंगे सर, ये अपने पास आ जाएगा अब मीटर पर सेकंड में आंसर। और फिर जो हम टाइम यूज़ करेंगे 10 मिनट में, ये मिनट में है, ठीक है, इसको हमें सेकेंड में लाना पड़ेगा, तो ये अपने पास आएगा 60। तो देखिए हमें एक्चुअली बात ये था कि हमें डिस्टेंस की यूनिट को और टाइम की यूनिट को हमें सेम सेम करने की जरूरत है। जैसे कि सरकमफ्रेंस एक तरह का डिस्टेंस है, तो अपने पास ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर में आ रखी है, ठीक है, और जो हमने डिस्टेंस जो लिया है ये अभी मीटर में है, इसको मुझे सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। और जो हमें टाइम जो आ रखा है इन दोनों में, वो हमने सेकेंड में हमें चेंज कर लिया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए 6 की टेल में 3 पर जाने वाला है, 6 की टेल में 11 पर चला जाएगा, 3 की टेल में जाएगा 20 पर। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ जा रही है हमारे पास 11 × 5 × 200, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ रही है, लेकिन ये मीटर में है, लेकिन ये मीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो 11 × 5 × 200 है ना, 200 × हमें करना पड़ेगा इसको 100 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो हमारे पास ये बन जाएगा 11 × 1000, ठीक है, और फिर 2 जीरो और बन जाएगा, मतलब कि 11 × 5 × 0 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर में।
मतलब कि हमारी गाड़ी 10 मिनट के अंदर इतना दूर चली जाएगी। अब लगाते हैं जब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के लिए फॉर्मूला, जगह थोड़ी सी कमी हो रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या अपने पर? तो डिस्टेंस अपने पास क्या बन रहा है, 11 1 2 3 4 5 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 22 और 7 जो होगा ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये जाएगा अपने पास 2 से, ये चला जाएगा 1 से, एंड अब तो अपने पास कुछ नहीं बच रहा। तो 7 5 टाइम्स 0, 10 से 10 काट सकते हैं हम लोग, तो 40 रह जाएगा। 1 2 3 4 अपॉन 8 हो जा 16, ठीक है। और इसको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4375 रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला जो है अपने पास की नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का फॉर्मूला हमें जो है ये हमें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर एक जो फॉर्मूला आता है वो होता है एरिया ऑफ रिंग पर क्वेश्चन, कि एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग। तो इसको ज़रा समझते हैं हम, कि मान लीजिए कि एक सर्कल था और इसका एक सेंटर है, तो इसी सेंटर से हम लोग एक और सर्कल खींचेंगे, लेकिन इस बार इसका रेडियस क्या होने वाला, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, मतलब एक सेंटर से ही हम दो सेंटर, दो सर्कल्स या फिर उससे ज़्यादा कर पाए तो हमको कंसेंट्रिक सर्कल के नाम से जानते हैं। तो इसको मान लीजिए कि आर रेडियस है अंदर वाले सर्कल का, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है, बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है। हमें जो चीज़ यहाँ पर निकालने को बोली गई है वो मान लीजिए कि ये जो एरिया है जिसको अभी मैं पीले कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका हमें ये एरिया हमें निकालने को बोला गया, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और क्योंकि ये एक तरह का रिंग जैसा दिखाई देता है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रिंग का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रिंग का जो फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास पाई बड़े स्क्वायर, बड़े रेडियस में से स्क्वायर, मतलब छोटे स्क्वायर में, छोटे रेडियस में से माइनस, ठीक है। तो ये अपने पास पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बड़ा आर, आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर हो जाएगा रेडियस ऑफ बिग सर्कल, जो अपने पास लार्जर सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा, और छोटा आर हो जाएगा अपने पास क्या, कि रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल, ठीक है। ये अपने पास दो फॉर्मूले हमारे, मतलब ये फॉर्मूला भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये इतने ही हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यही था अपने पास चैप्टर नंबर 12, जो कि था हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मैंने आपको इसमें सब कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, एक दो हमने एग्जांपल भी देख लिए। तो ये तो हो गया हमारी तरफ से, मेरी तरफ से पूरा का पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो आप इस वीडियो की अगर PDF चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाकर ले सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हों और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।